हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन गाइज मेरे ब्लॉग के साथ। आप बने रहिए, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा। देखो बारिश का मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, जो एंड किया था वो था बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में अगर पकोड़े नहीं बनाए जाएँ तो फिर क्या बात है, अधूरा है भाई बारिश के मज़े। तो यहाँ बनाए थे मैंने पकौड़े प्याज वाले, और यहाँ पर शिवांश ले रहा है उनके मज़े। इसके लिए बनाए थे, मैं दिखा रही थी ना वो, जो इसके लिए अलग से बनाए थे, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ बेसन और हल्के से मसाले के साथ इसके लिए फ्राई कर दिए थे। तो ये यहाँ पर खा रहा है, इन्जॉय कर रहा है। बोलो वीडियो को पूरी तरह से पापा की अलमारी मैंने खाली की है, ठीक है। सो गाइज़, ये जो अलमारी थी ना, ये थी, ये एक्चुअली हम इसमें सभी लोग रखते थे कपड़े, भाई की थी ये, तो ये मैं अपने साथ ले आई थी। इसमें कुछ हैंडल वगैरह इसके थोड़े से ख़राब हो गए थे तो वो ठीक करा लिए थे, और फिलहाल के लिए हमने मतलब अपना जो थोड़ा सा काम है वार्डरूम का वो हमने अपनी कर दिया है स्किप, अभी हमारा बजट नहीं है। सो गाइज, इसी से हम काम चलाएंगे। तो अलमीरा बहुत अच्छी थी एक्चुअली, वैसे सारी लकड़ी की है, अच्छी है, इसमें स्पेस काफ़ी है। तो ये फुल्ली ना मैंने शिवांश के पिताश्री के लिए ही इसको पूरा, उन्हीं के कपड़े डेली यूज़ किए और उनके प्रेस्ड कपड़े, और यहाँ पर उनके कुछ जो कोट वगैरह थे ना वो यहाँ पर हैंग कर दूँगी। सो ये देखिए फाइनली मैंने इसको कर दिया है रेडी। तो कुछ और इसके बाद यहाँ पर हमारे घर आ जाएंगे, लगे तो हैं ही मिस्त्री, तो इसमें जो वही मैं हैंडल बता रही थी ना तो उसी को कर रहे हैं ठीक। और यहाँ पे ये कर रहे हैं बाथरूम के जो लगाने हैं ना कॉर्नर। सो गाइस, आप बाकी देखते रहिए। और ये जो ये हमारे जो भाई लोग हैं, ये हैं एक्चुअली मोमडन हैं ये, तो इनके यहाँ पे थी ईद। और वैसे तो मैंने दिखाया था आपको वगैरह का काम चल रहा है, लगा रहे हैं, और मैं शिवांश के किचन में छोड़ के आ रही हूँ। हम नीचे आ गए, हम तो जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ शिवांश से हेलो करो। हेलो शिवांश, वो मैं सिचुएशन के लिए छोड़ देती हूँ, इसका टाइम हो गया 3 o'clock। सो हम रहते हैं पापा 3:14 और हम आज रहे शिवांश को 3:31 घर पे है। तो इसको इसको बस चाहिए कि नहीं मैं छोटी लिप से जाऊँगा। सो ये देखिए गाइस, ये शिवांश की फेवरेट लिप छोटी वाली से जाता है, वो नहीं खुलेगी। हाँ वो तो वो आ रही है, लगता है इसको क्लोज कर। चलो शिवो इधर नहीं, भूल गए थे आप, आप एक भूल गई दीदी का घर पकड़ लिया। आइए यहाँ पे फ्रेंड, मैं शिवांश को छोड़ी आई थी इसके ट्यूशन, और भैया अपना आगे का काम प्रोसेस का मतलब कर रहे हैं। ये दूसरे बाथरूम है हमारा बाहर वाला, सो ये यहाँ पे दूसरा वाला ये लगा रहे हैं, कॉर्नर है मतलब ये है हैंड वॉश वगैरह के लिए। और यहाँ पे ये भाई कर रहे थे, जो हमारा पुराना वाला बेड था ना सिंगल, तो उसको कुछ ठीक कर रहे थे। और यहाँ पे अति देव अपना फोन निहार रहे हैं, और देख लीजिए यहाँ पे शिवांश इतना थक गया था पढ़ने के बाद, ये अब शाम होने लगी थी तो आके सो गया था ट्यूशन से वो। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ हैंडल जो लगे थे ना न्यू वाले, तो ये कुछ इस तरह से लगवा दिए थे क्योंकि एक टूट चुका था इनमें से, वो थोड़ा हिल गया था और टूट भी गया था, तो फिर दोनों ही सेट मतलब न्यू डलवा दिए थे। तो और यहाँ पे रखे हैं एक्सरसाइज के लिए डंबल। और अब मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ गाइस, कुछ इस तरह से सेटिंग की है हमने अपने दोनों बाथरूम की, और अभी शीशा लगाना बाकी है तो वो काम बाद में करा देंगे। गाइस, आज का ये खाना मेरा ये दाल बनाई है मैंने एकदम घुटी घुटी, ज़्यादा से सीटी लगा के, और यहाँ बनाई मैंने
चावल। चावल बनाए मैंने कढ़ाई में, क्योंकि ये खिले खिले से बनते हैं, बड़ा अच्छे से बन जाते हैं। और ये रोटी है, और तो मैं लगा रही हूँ खाना पतीले को, दाल चावल, और यहाँ पे रख दूँगी मैं रोटी। रोटी मेरी थोड़ी सी। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही थी शिवाज के पापा के लिए। तो यहाँ पे रोटी जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने घी लगा के, जो हाथ से बनाते हैं ना ऐसे हाथ वाली रोटी, मतलब पलोथन जो लगाते हैं आप क्या बोलते हैं इसको, वो आटे से नहीं बनाई थी, तो इसलिए कुछ इस तरह से दिख रही हैं। ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी ये रोटियाँ। और यहाँ पे शिवांश भी खा रहा है, और इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। साथ में शिवांश का मैं होमवर्क भी करा रही थी। और फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताना मुझे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे ना आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। बाय।